हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज हम आपके लिए एक नया बेस्ट कैमरा लेकर आए हैं, जो एक्शन कैमरा है, जो पॉकेट कैमरा है, जो कहीं पे भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। बहुत एक छोटा सा डिवाइस है और ये बहुत छोटा कैमरा है और बड़ी काम की चीज़ है। ये DJI पॉकेट का क्रिएटर कॉम्बो है जिसको हम आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। पहले भी इसे हम एक बार खोल चुके हैं, जब हम इसे शॉप पर परचेस करने गए थे तो हमने वहाँ पर भी इसे खोल कर चेक किया था। तो आज हमने इसे फिर से वैसे ही एक अनबॉक्सिंग करेंगे जैसे एक नए अनबॉक्स की करते हैं। तो ये हम वीडियो हिंदी में बना रहे हैं और एक इंडियन वर्जन है कि इंडियंस के लोग इसे खरीदे या ना खरीदे, जो कैमरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बहुत छोटा कैमरा है जो आपके पॉकेट में आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और कंप्लीट चीज़ें हैं। तो इस बॉक्स को आज हम खोलेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है और ये कितना फ़ायदेमंद रहेगा एक इंडियन क्रिएटर के लिए, जो भी कंटेंट क्रिएट करता है, जो इजी चाहता है हर एक जगह पर। आप देख सकते हैं कि लोगों को बहुत बड़े बड़े कैमरे कैरी करने पड़ते हैं, बहुत सारे लेंसेज कैरी करने पड़ते हैं। तो आप इसमें आप इसको अपने पॉकेट में इसे कैरी कर सकते हैं और बहुत ही छोटा सा कैमरा है। इसे एक बार हम ऑलरेडी इसे खोले हुए थे इस बॉक्स को, जब हम शॉप पर इसे ख़रीदने के लिए गए थे। हमने इसको ऑनलाइन देखा तो बहुत ज़्यादा प्राइस था ऑनलाइन में, 40,000, 41,000 अमेज़ोन पे था, टाटा क्लिक पे भी था 42,000, अलग अलग हाई रेट के थे। तो हम शॉप पर गए, ऑफलाइन गए और वहाँ पर हमने इसकी जब प्राइजेस पूछे तो हमें उन्होंने 38,900 यानी 39,000, अलग अलग शॉप पे था। हमने बार्गेनिंग की और हमने उनसे डिस्काउंट मांगा तो उन्होंने हमें 38,300 रुपीज़ में दिया है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कंटेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। और इसका बॉक्स भी वैसे एक मोबाइल की तरह है, आपने देखा होगा जैसे मोबाइल्स में एक बहुत सारी छोटी चीज़ें रहती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है। तो हमने इसके बॉक्स को खोल दिया है और ये जो इसमें देख रहे हैं, इसके अंदर इसका बुकलेट है, इसे कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इसे चलाना है, कैसे, ये गाइड बुक है। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप बहुत जगह पे आपको परमिशंस नहीं मिलती हैं, बहुत जगह पे आप शूट करने जाते हैं, पुलिस की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत जगह पे कैमरा, बड़े कैमरा अलाउड नहीं होते, लेकिन ये छोटा सा आप इसे पॉकेट में ले जाकर आप अपने कंटेंट को शूट कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट कैमरा है। और मैं आपको एक बार बता दूँ, DJI वाले ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया है इस वीडियो के लिए, उन्होंने मुझे कोई पेड नहीं किया है, बल्कि ये कैमरा मैं आपके लिए खरीद कर इसका एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो बहुत ही बेस्ट कैमरा है, बहुत ही छोटा कैमरा है। ये इसका स्टैंड जो आप देख सकते हैं, काफ़ी छोटा सा स्टैंड है, हम इसे नीचे लगाएंगे उस कैमरे के। और इसमें कवर, इसका जो देखिए ये माउंट है, ये एक्स्ट्रा एक माउंट दिया है उन्होंने, और जो चार्जिंग माउंट है ये भी है। तो इसके अंदर माइक भी है और इसके अंदर जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसका भी एडेप्टर पिन है और एप्पल का भी जो एडेप्टर पिन है वो भी है। तो ये इसमें इस पैकेट में एक हमें एक लेंस मिलता है जो वाइड लेंस है, इसे बहुत ही संभल कर हमें कैरी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा सा है और कहीं पे भी गिरने का ऐसा डर रहता है। एक बार आपको और बता दूं, जब आप इसके जब इसके ऊपर आप जब जो ये गिम्बल है, जो ये DJI पॉकेट का जो गिम्बल है, इसके जो लेंस है, आप वहाँ पे अगर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो ये काम नहीं करता, हमेशा आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये माइक का एयर फिल्टर है, अगर हम बहुत ज़्यादा नॉइजी जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा साउंड आ रहे हैं तो इसके माइक पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। माइक भी बहुत छोटा सा है। और ये जो है इसका ये चार्जिंग केबल है, आपको इसके लिए एक अच्छा वाला एक आपको चार्जिंग लेना पड़ेगा, चार्जर लेना पड़ेगा और उसके अंदर आपको ये डालना पड़ेगा। तो एक अच्छा वाला आप चार्जर ले लें क्योंकि ये नॉर्मल चार्जर से चार्जिंग नहीं होगा। तो ये रहा, ये है एप्पल के फ़ोन में और ये इसमें ये एंड्रॉयड फ़ोन में लगेगा, ये जो अडेप्टर है एंड्रॉयड फ़ोन से इस कनेक्ट करके आपके मोबाइल में लग जाएगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसे एक्टिवेट करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी और सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एक्टिवेट करने के लिए। ये इसका कंट्रोलर रहा, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और हमें अगर जूम करना है, जूम इन करना है तो हम इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। जब हमें राइट करना है, लेफ्ट कैमरा करना है तो हम उस कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जेन्युइनली इसका रिव्यू बता रहा हूँ, जेन्युइनली सारी चीज़ें मैं आपको एक बॉक्स ओपन करके बता रहा हूँ कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या और क्या है। आप इसे ले सकते हैं या नहीं लेना है आपके ऊपर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 40,000 एक छोटा मोटा इन्वेस्ट नहीं है, एक बड़ा इन्वेस्ट है। तो एक बात याद रखिएगा, इसका स्क्रीन गार्ड आपको बहुत लेना ज़रूरी है क्योंकि आप बार बार अगर आप स्क्रीन टच करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ें, इसे आपको बहुत ही संभल कर यूज़ करना है।
और याद रखना कि आप अगर इसके लेंस को यूज़ कर रहे हो तो आपका जो गिम्बल का जो ऊपर का जो यहाँ पर जो मूव करता है उसके ऊपर आपको गार्ड नहीं लगाना है, जो स्क्रीन गार्ड है वो नहीं लगाना है, नहीं तो उसके ऊपर चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटिक है और उसको चिपक जाता है। और इसे कभी भी आप जब अपनी जेब से या कहीं पे भी निकालेंगे तो इसे आराम से निकालिएगा और इसका जो हैंडल है उसे आप अच्छे से पकड़िएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा कैमरा है और बहुत ही मज़ा आएगा, और मैंने आपको ये जेन्युइनली रिव्यू बताया है, जो रियलिस्टिक में जो इसका रिव्यू है, जो हकीकत इस कैमरे के बारे में मैंने आपको ये बताया। मैं आपके लिए कोई भी ऐसा फेक नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, आपकी इच्छा है आप इसे ले या ना ले, आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने आपके लिए इसके लिए जेन्युइनली रिव्यू बताया है कि इस कैमरे को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा कैमरा है, आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, आप अगर कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस पर जा रहे हैं वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं करते, लेकिन आप छोटे से कैमरा को यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें अगर शूट करनी है तो आप इस कैमरे के ज़रिए शूट कर सकते हैं। बहुत छोटा सा और प्यारा कैमरा है, इसकी 4K क्वालिटी है इसमें, और इसके अंदर आपका स्लो मोशन है, HDR रिकॉर्डिंग है इसके ऊपर इसमें, और आप इसमें क्या कहते हैं फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, सेल्फी मोड भी है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं इस कैमरे में। बहुत छोटा सा है, देखिए इस जगह पे जहाँ से अभी मैंने कवर निकाला है यहाँ पर आपको स्क्रीन गार्ड नहीं लगाना है, यानी इसको प्रोटेक्टर नहीं लगाना, नहीं तो वहाँ पे मैग्नेटिक चीज़ें नहीं चिपकेगी। तो बहुत छोटा सा है और ये प्यारा सा कैमरा है, आप इसे लेने से पहले 10 बार सोच लेंगे कि आपके काम के लायक है या नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोग इसे परचेज़ करते हैं। जैसे इसे हमने बाहर निकाला इस कैमरे को तो बहुत सारे लोग हमसे पूछने लगे ये है क्या, ये क्या घूम रहा है, क्योंकि किसी को ये इस कैमरे के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन बहुत बेस्ट कैमरा है। और आप देखिए छोटा सा कैमरा है और बहुत ही अच्छा है। और एक बात बता दो, इसके अंदर 128GB का मेमोरी कार्ड लगेगा, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी, जिसकी कीमत लगभग ऑनलाइन भी लेने जाएंगे तो 1800-1900 के आसपास मिलेगा, और शॉप पे भी लेने जाएंगे तो आपको उतना ही मिलेगा। आप ये देख लीजिएगा कि आपका मेमोरी कार्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और इसे एक्टिवेट करने के लिए आपके पास एक अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, जहाँ पर ये उसमें लग सके, इसके अडेप्टर के साथ हमें एक्टिव करना पड़ता है। तो ये रहा 128GB का, हमने सेंडिक्स का मेमोरी कार्ड लिया, जो एक हमने होलसेलर की दुकान पर इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने भी हमें 1885 बताया, लेकिन इन्होंने 5 साल की हमें वारंटी पीरियड दिया है, इसके हम 5 साल तक इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा DJI का पॉकेट क्रिएटर कॉम्बो का असली रिव्यू जिसे आप देख रहे हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। शुक्रिया शुक्रिया।